गोपालगंज पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के काफी करीबी ठेकेदार शंभू मिश्रा हत्याकांड सहित कई हत्याकांड का आरोपी मन्नू तिवारी को एक देसी राइफल एवं एक कट्टा तथा एक पिस्टल एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं एसपी मनोज तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चमारी पट्टी के चंवर से एसटीएफ एवं जिला पुलिस की टीम के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के कई बड़े आपराधिक मामलों में ये नामजद अभियुक्त थे तथा विगत कुछ दिनों से कई लोगों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शंभू मिश्रा एवं मुन्ना तिवारी की हत्याकांड में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। विगत कुछ दिनों से गोपालगंज जिले में मनु तिवारी एक सक्रिय अपराधकर्मी थे। इनका सिवान वगैरह में भी घटना में संलिप्तता की बात आ रही थी इनकी, और कई क्रिमिनल्स इनके घर तुलसिया में भी, ग्राम तुलसिया निर्णय थाना क्षेत्र में है, वहाँ रहने की बात आ रही थी। और इधर कुछ दिन से ये लगातार घटनाएं कर रहे थे। कई हत्या, महत्वपूर्ण हत्या गोपालगंज जिले में कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें भी ये संलिप्त थे। इनके संबंध में गुप्त सूचना मिली थी कि चमारी पट्टी फुलवरिया थाना क्षेत्र में जो चौर है वहीं पर ये अपना लोकेशन बदल बदल के छिप छिप करके रह रहे हैं। उसी गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ एवं जिला पुलिस की टीम जो थी गई थी, एक विशेष टीम बना करके हम लोग छापेमारी प्लान कराए थे, जिसमें मुठभेड़ के बाद इनको 3 लोडेड हथियार के साथ इनको पकड़ा गया है। और कुछ लोग भागने में सफल हुए, उनकी भी पहचान की गई है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के 2 रिश्तेदारों की मर्डर हुई थी क्या? हाँ, ये दोनों घट शंभू मिश्रा हत्याकांड और मुन्ना तिवारी हत्याकांड में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है। और इधर करीब 10 दिनों से कई व्यवसायियों से इनके द्वारा रंगदारी की भी मांग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और जैसा एविडेंस आएगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और भी जिस कांड में ये वांछित हैं सब में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहा है और तदनुसार अपराधकर्मियों को जो भी संरक्षण दे रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा, और ऐसे भी जो अपराधकर्मियों को संरक्षण देंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।